आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के एली परसोली सकरौरा भिकारीपुर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने के बाद बंधे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहाड़ों पर हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण नदी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बाढ़ से पूर्व सारी तैयारी कर ली गई है। पिछली बार भी कोई जनहानि नहीं हुई थी और इस बार भी कोई जनहानि नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा हमने आपदा को लेकर अपनी तैयारी पूरी की है। आती है क्योंकि अतिवृष्टि और कभी कभी ऐसे समय में आपदा आती है जब लोगों को उसकी संभावना नहीं रहती है। खासतौर पर विगत वर्ष आपने देखा होगा कि अक्टूबर माह में आपदा का सामना हम सबको करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन सब परिस्थितियों से हम तैयार हैं। बाढ़ चौकी के जिससे भी लगभग 28 बाढ़ चौकी अभी से प्रस्तावित करके उनको तैयार करने का कार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, राहत आयुक्त विभाग के साथ साथ यहां पे प्रभावित क्षेत्रों में जो संभावित क्षेत्र प्रभावित हो सकता है वहां पे नौकाओं की व्यवस्था के अलावा अन्य सभी प्रकार की जरूरी सामग्री के बारे में भी अभी यहाँ पर प्रशासन के साथ बातचीत हुई और प्रशासन ने पहले से ही इसके बारे में अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हमें पूरा विश्वास है कि गत वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर इस तटबंध को जब 7.5 लाख क्यूसेक वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था तब भी तटबंध को बचाए रखने में काफी बड़ी उस समय सफलता प्राप्त हुई थी और अभी से उसको और सुदृढ़ करने का कार्य इस बार किया गया है, समय से किया गया है। हमें विश्वास है कि यहाँ पर जनधन की हानि को हम लोग किसी भी आपदा से बचाव करने के लिए आज यहाँ पर उसकी पूरी तैयारी रहेगी और आने वाले समय में किसी भी संभावित खतरे से बचाव के बारे में हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं।